लगाने का काम भी कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी याददाश्त वापस आती है, उसे लगता है कि उसने सब क्या कर दिया अभी तक। चर्च में वो अपने अपराध को स्वीकार भी करता है, लेकिन फादर बताते हैं कि गुनाह परछाइयों की तरह होते हैं, आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। बॉब सुधरना चाहता है, दुनिया उन्हें सुधरने नहीं देती। गलती अब उसकी कहाँ है, यही पूरी कहानी है। फिल्म बॉब विश्वास देखा जाए तो पूरे तरीके से अभिषेक बच्चन की फिल्म है। 14 साल पहले अभिषेक ने फिल्म गुरु में लीक से हटकर एक किरदार करने की हिम्मत बांधी थी। इसी पोटली का नया स्वाद है बॉब विश्वास। शुरू के 15-20 मिनट लगते हैं फिल्म को सेट होने में, लेकिन उसके बाद अभिषेक बच्चन आखिर तक नजर नहीं आते। ये पूरी फिल्म सबसे बड़ी उनकी यही जीत है। बॉब के अपने बेटे से मिलने वाले स्कूल पहुंचने वाले सीन में अभिषेक का अभिनय इनाम का हकदार है। फिल्म की कहानी अच्छी है, पटकथा में जगह जगह काफी झोल है। हिंदी फिल्में देखने वाला कोई भी दर्शक क्लाइमेक्स में सीन दर सीन पहले ही बता सकता है कि अब क्या होने वाला है। सुजोय के लेखन में हालांकि ये नहीं होता, लेकिन अब की बार वो यहीं पर मात खा गए। संवाद भी हिंदी और बंगाली में दोहराने की जरूरत नहीं थी, इसे फिल्म की कमी कह सकते हैं। इस फिल्म में सहायक कलाकारों ने कमाल का किरदार निभाया है। हक्का नूडल्स बेचने वाले किरदार में पवर बित्रा राहा ने कमाल कर दिया। खालिदा बने परम बंदो उपाध्याय का अपना अलग ही एक रोल है, जिसको बहुत अच्छे से निभाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में टीना देसाई भी अपनी छाप छोड़ने में सफल रही। लेकिन फिल्म का सुखद एहसास है चित्रांगदा सिंह, जो कि कैमरे के सामने बड़े अरसे के बाद वापसी कर रही है। फिल्म बॉब विश्वास के गीत संगीत औसत हैं, ज्यादा कुछ आपके कानों को सुनने को नहीं मिलेगा। किशोर कुमार के हिट हिंदी गानों के बांग्ला मूल गीतों का अच्छा प्रयोग फिल्म में किया गया है, लेकिन इसके अलावा फिल्म तकनीकी रूप से बहुत दमदार फिल्म है। गैरिक सरकार का कैमरा यहां दर्शकों की कहानी की नब्ज साधने में चौंकाने वाले तरीके से मदद करता है, यानी कि कैमरा वर्क बहुत अच्छा है। उनका कैमरा किरदारों के साथ नहीं है, वो शहर के साथ है और कोलकाता की नजर से कहानी को देखता चला जाता है। यशा रामचंदानी ने फिल्म की गति और अवधि दुरुस्त करने के लिए बहुत चुस्त काम किया है। तो ये कह सकते हैं कि फिल्म के किरदारों ने जहां फिल्म को बेहतरीन बनाने का काम किया है, लेकिन साथ साथ जो सह कलाकार हैं उन्होंने फिल्म को एक अलग रूप दे दिया है। चाहे म्यूजिक हो चाहे साथी कलाकार हो, हर कोई इस कहानी को आगे बढ़ाता हुआ ले जाता है। अगर ये कहा जाए कि अभिषेक बच्चन के करियर की एक और बेहतरीन फिल्म है, तो ये कहीं से भी कम नहीं होगी, क्योंकि पूरी फिल्म उनके कंधों पर चलती है। हमारी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दें, और आपको ये जरूर कहेंगे कि अगर आप अभिषेक बच्चन को एक नए किरदार में और बेहतरीन एक्टिंग में देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म जरूर देखें। और इस फिल्म को देखने के लिए आप G5 पर जा सकते हैं, वहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म बॉब विश्वास का ये रिव्यू आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि हम कुछ बदलाव कर सकते हैं जिससे ये वीडियो और बेहतर बन सकता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।